हरे कृष्णा। आइए आज की कक्षाओं को शुरू करने से पहले हम हमारी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, ताकि गुरु आचार्य की वाणी को उसी प्रकार से हम लोगों को प्रस्तुत कर सके। ओम अज्ञातिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय गते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्याय श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाशात। चतुर्दशीपाद की जय श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप की जय संस्कृत की। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस क्लियर है? अभी जी माता, बीच में थोड़ा सा हो रहा था बिट। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और प्रभु जी पूरी वृंदावन से पूरी यूथ टीम को लेकर के कल वापस इस छत्तीसगढ़ के धाम में उनका आगमन हो जाएगा, तो आने वाले शनिवार की प्रभु जी की कक्षा रहेगी। ठीक है, कल हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में 2:45 यानी कि दूसरे अध्याय के पहला 45वें श्लोक गीता का सार, यहाँ तक हमने कथा का श्रवण किया। प्रभुशील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ा, समझने और समझाने का प्रयास किया। आशा है आप सब बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस ओर धीरे धीरे भगवान हमको इस भव सागर से बाहर निकलने के लिए अर्जुन के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं और बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं शिला प्रभुपाद कि आपको यह समझना है कि इस धराधाम पर इस भव सागर से बाहर निकलना है, इस कल्मश जगत से यदि बाहर निकलना है तो केवल और केवल आपके पास एक ही केंद्र बिंदु है और एक ही परम तत्व है जिसके शरणागत होना है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और अपने जिह्वा से नित निरंतर सतत भगवान का हरि नाम भी लेना है। इसलिए कल ये चर्चा यहाँ पर हुई कि हमें बहुत सारे कर्म कांडों में से बाहर आ जाना चाहिए, सकाम कर्मों से बाहर आ जाना चाहिए। हमें उन कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए जहां पर हम इस बात को समझने का प्रयास कर सके कि यदि हम
कृष्ण के शरणागत होते हैं, तो हमें सभी के सभी केंद्र बिंदुओं से, आसपास के सभी चीजों से मिलने वाले सभी अर्जन अक्षय पुण्य हमें केंद्र बिंदु से ही प्राप्त हो जाएंगे। आइए हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक की ओर। यावर्थन उदापाने सर्वता समलूतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता यावान अर्थ उदपाने सर्वता समलूतोदके तान्वान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता यवान अर्थ उदपाने सर्वता समलूतोदके तन्वान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हरे कृष्णा। जी देवेश्वर हरे कृष्ण। रावण अर्थ उत्पाने सर्व संलुप्त उदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरी बोल। कोई और दो पढ़ना चाहेंगे? आशा करती हूँ आप सभी अब अगर अपने मुखारवृंद के दर्शन करवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यवान अर्थ उत्पाने सर्वतः संपल उतके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्णा। और कोई? और कोई? हरे हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। 46 ना माता जी। हरे जी प्रभु। कृष्ण। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्णा। और कोई है? हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ यावन जितना सारा अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में सर्वतः सभी प्रकार से समलुप उदके विशाल जलाशय में तवान उसी तरह सर्वेषु समस्त वेदेषु वेदों में ब्राह्मणस्य परब्रह्मा को जानने वाले विजानता पूर्ण ज्ञानी का एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले को उनके सारे प्रायोजन सिद्ध हो जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15:15 इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों का संबंध भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15:7 में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। अहो बत अश्वोच अश्वो अश्वोतो गरा ज्ञान यज्जी हाई ग्राहे वर्तते नाम तुभ्यम तेपो दस्ते पस्ते जुवो सरयसु यार्या ब्रह्मनुचर्व नार्मम गृहणीति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। यदि ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न भी किए हों और अनेकों अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन भी किए हों,
ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग को जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधान का पालन करना संभव है और न ही सारे वेदांत और उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक सांस्कृतिक का परम लक्ष्य भगवान भगवान नाम कीर्तन के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की गई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति एक पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा ही मूर्ख जानकर भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत शास्त्र को समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित भी नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की परिकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है और संपूर्ण वैदिक रहस्य का यही चरम उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद ने हमें यहाँ बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है कि वह यह बताना चाह रहे हैं कि हमें किस प्रकार से संसार के कर्म कांड से बाहर निकल के आना है, अर्थात कर्म कांड का उद्देश्य कौन से कर्म कांड से बार बार श्रील प्रभुपाद यहाँ अवगत करा रहे हैं कि वे कर्म कांड जिससे कुछ पल के हम क्षय पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अर्थात हम स्वर्ग की कामना कर सकते हैं, अर्थात हम यज्ञों के हवन करके हम बहुत अधिक कुछ समय तक सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रधान बन सकते हैं, किंतु क्या यह सब कुछ हमारे लिए परम नियंता तक पहुंचने का मार्ग है? बिल्कुल भी नहीं। ये केवल और केवल इस भौतिक जगत में क्षणिक मात्र संतुष्टि प्रदान करने वाला है। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने एक उदाहरण से हमें समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती जी ने जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि आप ये हरि नाम क्यों लेते हो पागलों की भांति, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझकर केवल और केवल हरि नाम लेने को कहा है और इसलिए मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करके इस कार्य को कर रहा हूं। उन्होंने उनका उस ज्ञानी का, उस वैदिक पंडित का खंडन नहीं किया। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि हमें अंतिम में क्या करना है। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे, अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। कर्मियों का काम होता है, जो कर्मी साधक होते हैं उनका लक्ष्य होता है स्वर्ग की कामना करना। इसलिए हमें कर्मी नहीं बनना है, क्या बनना है? भक्त बनना है। ना हमें ज्ञानी बनना है ना ध्यानी बनना है, हमें भक्त बनना है ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके, उनके चरण कमल की सेवा कर सके। इसलिए इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधान का पालन करना संभव है और ना ही वेदों उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना भी सहज है। फिर अंतिम में पुनः श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और सबसे बड़ा वेदांती तो वही महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करके आनंद लेता है और संपूर्ण वैदिक रहस्य का भी यही चरम उद्देश्य है। अर्थात हम जो मनुष्य हैं, हमारी इतनी प्रगाढ़ बुद्धि नहीं है, हमारी बुद्धिमत्ता ऐसी नहीं है कि हम समस्त वेदों का अध्ययन, वेदांतों का अध्ययन, श्रुतियों का अध्ययन, स्मृतियों को याद कर सके। इसलिए हमारे लिए इन सब का एक ही सार है कि हम निरंतर इस महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस परम आनंद का सुख लेते हुए हम अपने जीवन को आगे लेकर जाने में, अंतम गंतव्य तक लेकर जाने में हमारे लिए हरिनाम सहायक हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर क्या कहा है,
15-15 में, एक बार 15-15 निकाल करके आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं वहां पर। गौतम बुद्ध प्रभु जी पढ़िए तो 15-15। माता जी, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदस्य सर्व स, वेद वेदस्य सर्वम अहम एव वेदो वेदांत कृत वेदवित च अहम। हरी बोल, अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने के योग्य हूं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। भगवान ने यह पुष्टि कर दी, यदि वेद है तो मुझसे है, वेदों का संकलन करता भी यदि कोई है तो समस्त वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। स्मृति विस्मृति सब कुछ मुझसे ही है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार के कर्म कांड में अत्यधिक लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भगवान और भी चीजें हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वेद यानी कि वेद क्या है, ये भगवान के अंग है, भगवान के ये वेद हैं जो स्वयं भगवान ने हमको दिए। कौन कौन से चार वेद दिए हैं, किन वेदों की बात हो रही है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो अर्थवेद है वह पूर्णतः आयुर्वेद का है, इसलिए ये तीनों वेद महत्वपूर्ण है और चौथा वेद है वो आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इन तीन वेदों का अध्ययन किया जाता है। अब यदि हम इनको अध्ययन करने की बात करते हैं तो इसके भी चार अंग हैं, जिस चार अंगों का प्रयोग आजकल के समय में इस वेदों के कर्मकांड को करके ज्ञान कांड तक आगे बढ़ा जाता है। अर्थात वेदों के जो चार अंग भाग होते हैं उसमें होती संहिताएं होती हैं, आरण्य होता है, ब्राह्मण्स होते हैं और हमारे साथ इसमें होते हैं उपनिषद। तो जो संहिताएं होती हैं वे होती हैं जिसमें मंत्रों का उच्चारण बड़ी ऊर्जा के साथ किया जाता है। जैसे आप सुनते हैं ना, वो पढ़ते हैं किसी भी तरीके के स्तुतियां करना हो, भगवान की स्तुति करना हो तो किस प्रकार से की जाती है? अगर दुर्गा माता की स्तुति करना हो तो ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, तो अगर इसको पढ़ रहे हैं तो किस ऊर्जा के साथ पढ़ रहे हैं? संहिताएं जिनके माध्यम से हवन इत्यादि कर्म को किए जाते हैं, इन स्तुतियों के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए संहिताओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम यदि आरण्य की बात करें जो इस वेदों का अंग है, तो ये जो होते हैं ब्राह्मण के अनुष्ठानों की पूर्ति को और उनके अर्थों को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अर्थात जो भी चीजें कही गई है उनके अर्थ को बताना, उनको समझाना और उसको ब्राह्मणों के माध्यम से परिलक्षित किया जाता है। फिर क्या होता है, ब्राह्मण इन ग्रंथों का, इन संहिताओं का प्रयोग करके वे होम, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान इत्यादि को पूर्ण करवाते हैं, इसलिए ये इसके तीसरे भाग हो गए। और जब संहिताएं और आपके ब्राह्मण मिलते हैं तब क्या बनता है, कर्मकांड बनता है। इसी कर्मकांड की बात की जा रही है कि हमको किसी भी तरीके से इस सकाम कर्मों में नहीं फंसना है। इसलिए बीते क्लासेस में हमने बताया कि यहाँ पर भगवान हमारे को कौन सी चीज से बाहर आने के लिए बोल रहे हैं, बुद्धि योग का प्रयोग करने बोल रहे हैं, हमको कौन सा साधक बनने बोल रहे हैं, ना हमें कर्मी बनना है, ना ज्ञानी बनना है, ना ध्यानी बनना है, हमें क्या बनना है, भक्त बनना है। इसलिए इन चार अंगों का, अब जो तीसरा भाग है उपनिषद, अर्थात उपनिषद यानी कि गीता का सार, जहां से आध्यात्मिक उन्नति होती है और हम आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए जो कि गुरु और शिष्यों के बीच का अध्ययन होता है, यहाँ पर भी अर्जुन ने अपनी कृपणता भगवान के प्रति समर्पित करी और क्या बोला उसने, शिष्य तो अहम शादी मम त्वा प्रपन्ना, अर्थात प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, अब आप मुझे उपदेश दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। इसलिए ये जो उपनिषद होते हैं और ये वेदों का जो चौथा वाला अंग है उपनिषद, ये गुरु शिष्य के तत्वों को परिलक्षित करता है, वह उनके बीच का अध्ययन होता है। इसलिए ये चारों चीजें हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके से किस भावों को बताने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पर एक चीज और आ रही है कि यहाँ किस प्रकार से एक छोटे से भाव को बताने के लिए ये कहा गया है इस अनुवाद में,
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यावानार्थ उद पाने सर्वता समलू तोद के, अर्थात उद यानी जल और पाने यानी अर्थात पीना। हमें क्या पीना है, क्या ग्रहण करना है और किस समुद्र और किस जलाशय की बात यहाँ स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान हमारे लिए इतना सरल विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। अर्जुन ने तो, अर्जुन ज्ञानी थे, भगवान के परम प्रिय थे और अनेक अनेक युगों से भगवान के साथ है, इसलिए अर्जुन ने 45 मिनट में गीता समझ ली, मात्र 45 मिनट में। लेकिन आप और मैं 40 मिनट तक हम निरंतर 2 श्लोक से अधिक ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन उस समय भगवान ने पूरी गीता अर्जुन को सुना दी और समझा भी दी। अर्जुन समझ भी गया, युद्ध भी किया, भगवान के आदेशों का पालन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेशों को भगवान की वाणी माना, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया, कोई तर्क नहीं दिया। जितने तर्क देने थे उन्होंने पहले अध्याय में दे दिया और बोला हो गया, अभी मेरा तर्क वितर्क सब खत्म, अभी आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे अध्याय में उसका वो शरणागत हो गए, अपने इस द्वंद से, इस विषाद से वो बाहर आ गए। इसलिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये कूप और समुद्र, अर्थात कुएं और समुद्र का उदाहरण क्यों दिया है उन्होंने, हमें इस भौतिक जगत के भाव सागर से कैसे बाहर निकल करके हमें आध्यात्मिक समुद्र में डुबकी लगाना है, उस बात की भगवान स्वयं यहाँ पुष्टि करते हैं। तो भगवान यहाँ पर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं पहली पंक्ति में कि यावानर्थ उदपाने सर्वता समलू तो दके, अर्थात सब ओर से भरे हुए समुद्र को प्राप्त होने पर व्यक्ति छोटे से कूप से जितना भी प्रयोजन होता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कुछ भी प्रयोजन नहीं है, सब ओर से भरे हुए समुद्र की प्राप्ति होने पर व्यक्ति का छोटे से कूप से जितना भी प्रयोजन होता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपके पास शुद्ध समुद्र से भरा हुआ जल हो और यहाँ पर आपके पास एक कुआं हो, तो आप क्या करोगे? आप समुद्र में डुबकी लगाने के लिए जाओगे ना, कुएं में थोड़ी जाएंगे जो डुबकी लगाने के लिए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं यदि यहाँ पर एक छोटा कुआं है और एक समुद्र है तो उसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना चाहिए कि जो हमारा सुख है वो क्षणिक मात्र है, सुख जो है वो क्षणिक मात्र है, कि मैं आज ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे ज्यादा धन लक्ष्मी अर्जित होगी, मैं कल परिवार को ज्यादा सुख दे पाऊंगा, किंतु जैसे वो धन लक्ष्मी खत्म होगी वो सुख वहां से चला जाएगा, फिर वो व्यक्ति उसी ही कार्यभार को आगे बढ़ाने के लिए और कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करता है, किंतु क्या होता है, ये सुख क्षणिक भर का होता है। क्षणिक सुखों में हमारे साथ बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हमको समझना चाहिए कि हमारे साथ कौन सी चीजें क्षणिक तौर पर आ करके जुड़ती हैं और हमारे साथ आती और चली जाती हैं। इसलिए यहाँ पर वेदों की जो तुलना है वो कूप से की गई है और कृष्ण भक्ति की जो तुलना है वो समुद्र से की गई है। यानी कि आप वेदों से कितने भी प्रकार के हवन करवा लें, अनुष्ठान करा लें, आप किसी भी तरीके का आप यज्ञ हवन करवा लें, मैं किसी भी प्रकार के संसाधन का प्रयोग करके अनेकों अनेक ब्राह्मण को बुला करके बड़े से बड़ा धार्मिक भगवत यज्ञ करवा लूं, अर्थात किसी भी तरीके का आयोजन करा लूं, लेकिन ये सुख क्या सुख होंगे? मैंने उस भगवत यज्ञ में जहां मुझे श्रीमद् भागवतम को समझना था वहां मैं आडंबरों की चर्चाओं में फंस गया। श्रीमद् भागवतम तो मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए थे, लेकिन मैं नृत्य गान में फंस गया, जो मेन भगवतम का सार था मैं उसे भूल गया, मैं वहां पर लोगों के लिए नृत्य लीला रास लीला का प्रबंध करने लगा। इस आडंबर का ये जो भौतिक सुख है वेदों का, ये थोड़ा सा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इसके आडंबर में फंस गया, लेकिन मेरे लिए कृष्ण भक्ति क्या हो गई? यदि मैं उस श्रीमद् भगवतम के सार को समझने का प्रयास करता तो मेरे लिए वो समुद्र की भांति कार्य करता। लोग तरह तरह की भजन संध्या रखते हैं, उनको लगता है ये भजन संध्या से लोगों का लाभ होगा, जहां लोग अभक्तों की वाणी सुनते हैं, अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनते हैं और तरह तरह के धुनों पर गाने बना लेते हैं, तो क्या इससे किसी का कल्याण होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब वेदों की वाणियों का गलत प्रयोग करना है। इसलिए यहाँ पर इस बात की बार बार तुलना की गई है कि वेदांत दर्शन के प्रणेता ज्ञाता तो केवल और केवल कौन है?
भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए हमें केवल और केवल उनको ही समझना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आता है कि मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि एक भक्त बोलते हैं कि भगवान मेरी श्रद्धा ही नहीं बढ़ पा रही है भगवान के प्रति, मैं क्या करूं, कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु से प्रेम अपना प्रदर्शित कर पाऊं, दिखा पाऊं जैसे लोग देखते हैं दिखाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे आचार्य गण ने कहा, हमारे हिज होलीनेस से जय पताका स्वामी महाराज ने कहा अपने उस परम शिष्य से कि आप चैतन्य भागवत पढ़ो। तो उसने कहा बिल्कुल महाराज जी मैं जरूर पढ़ूंगा। बोले इससे तुम्हें आ जाएगा, लेकिन कितनी बार पढ़ना है आपको पहले ये तो सुनो। तब उन्होंने बोला कम से कम 108 बार पढ़ना, कम से कम 108 बार पढ़ना, तब जाकर के तुम चैतन्य महाप्रभु को समझने का प्रयास कर पाओगे। ये हमारे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इस समुद्र में डुबकी लगाओगे तो कभी डूबोगे नहीं, बिल्कुल तैर करके बाहर ही आओगे। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हमें भगवान को समझने के लिए, भगवान की वाणी को समझने के लिए, इस समुद्र में डुबकी लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसी ही समुद्र में डुबकी लगानी होगी। लेकिन इस वेदों के शास्त्रों अनुष्ठान हवन यज्ञ, आज मैं एक अश्वमेध यज्ञ कर लेता हूं मेरा कल्याण होगा, कितने दिन का कल्याण होगा, अश्वमेध यज्ञ कराने से, सोम यज्ञ कराने से, कोई पार्श्व यज्ञ कराने से कितने दिन का, किसी छोटे से स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी क्षणिक मात्र के लिए। जब वहां जाकर के आप टकराएंगे खटखटाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, इंद्र प्रभु बोलेंगे कि भैया टाइम आउट बाहर निकलिए, और वहां के सारे लोग मिलकर के आपको सीधा बाहर कर देंगे। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ये जो कूप है हमारे लिए बहुत क्षणिक मात्र है, इसलिए हमें श्री कृष्ण भक्ति रूपी सुख समुद्र जब प्राप्त हो जाते तो हमें इस कर्मकांड से बाहर आ जाना चाहिए। यहाँ पर यदि जिस अलग अलग कूपों का वर्णन कर रहे हैं उसमें श्रीमद् भगवतम में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे वर्णन है जिसको समझने के लिए हम कूपों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के आपके तीसरे अध्याय में पहले से 9वें श्लोक तक इस बात को वर्णित किया गया है कि आपको कौन से कूप से बाहर निकल करके आना है। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में और भगवान की वाणी में बताते हैं कि यदि आप निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना करते हैं, यदि आप निर्विशेषवाद ब्रह्म ज्योति लीन में ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना करते हैं तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी की आराधना कर लो। यदि आप इंद्र और यदि आप प्रबल कामना की वासना करते हो कि आपकी इच्छा है कि जीवन मेरा इसी में लिप्त रहे, इसी लस्ट में जीवन रहे, तो आप जो है इंद्र की पूजा कर लो। यदि आप अच्छी संतान के इच्छुक हो तो प्रजापतियों की उपासना कर लो। यदि आप सौभाग्य की इच्छा करते हो तो दुर्गा देवी की उपासना कर लो। यदि आप बहुत शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करना चाहता है वो वसुओं की पूजा कर ले तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। यदि आप बहुत अधिक महान वीर बनना चाहते हैं तो रुद्रों की पूजा कर ले, और प्रचुर मात्रा में यदि राशि कमाना चाहते हैं तो आप अदिति के पूजा कर लीजिए, और यदि आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो अदिति के पुत्रों की कामना कर लो। पहले यदि आप बहुत अधिक धन कमाना चाहते हैं, अन्न कमाना चाहते हैं तो अदिति की पूजा कर लो, और स्वर्ग की कामना करते हो तो अदिति के पुत्रों की कामना कर लो। जो व्यक्ति राज्य की इच्छा चाहता है वो विश्व देव की प्रार्थना कर ले, और जो लोक प्रियता के इच्छुक हो वो साध्य देव की पूजा अर्चना कर ले, और जो दीर्घायु होना चाहता है, जो चाहता है कि मैं बहुत लंबी आयु जीऊं बहुत लंबी आयु जीऊं, तो वह अश्वनी कुमारों की सेवा कर ले, उसी अथर्ववेद अर्थात जो कि आयुर्वेद का शास्त्र है, और उसके परम ज्ञानी प्रणेता यदि कोई है, जैसे यहाँ पर हमारे इस भौतिक जगत में अनेकों अनेक डॉक्टर हैं, वैसे अश्वनी कुमार भी वहां पर उस दिव्य लोकों में सारे देवी देवताओं की सहायता करते हैं, और इस डॉक्टर के माध्यम से उनका इलाज भी करते हैं। इसलिए जो दीर्घायु होना चाहता है वो अश्वनी कुमार की साधना कर ले, जो बहुत पुष्ट शरीर चाहता है वो माता पृथ्वी की पूजा कर ले, जो नौकरी की इच्छा करना चाहता है वो क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा कर ले, और जो बहुत अधिक सुंदर बनना चाहता है, जिसको लगता है मैं बहुत स्मार्ट बनूं हैंडसम बनूं, और जो चाहता है कि मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल मैं मिस यूनिवर्स से ज्यादा कम ना रहूं, तो कृपया गंधर्वों की सेवा कर ले, आपको सब कुछ मिल जाएगा।
यदि आप बहुत सुंदर पत्नी पाना चाहते हैं तो उर्वशी की प्रार्थना कर लीजिए। यदि आप अन्यों पर शासन करना चाहते कि मैं मेरा वर्चस्व ही बना रहे, तो आप ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की उपासना कर लीजिए। और स्थायी कीर्ति की इच्छुक हो तो आप यज्ञ की सेवा कर लें। और बहुत कोई बैंक से बचाना चाहता हो, बचत करना चाहता हो, अपना धन अर्जन को सेविंग करना चाहता हो, तो वह वरुण देव की पूजा कर ले। और फिर भी इतने से मन ना भरा हो तो यदि कोई वैवाहिक संबंध को बहुत अच्छा बनाए रखना चाहता हो, बहुत सुंदर पति की, बहुत अच्छी लक्ष्मी पत्नी की कामना कर रहा हो, तो वह उमा देवी की उपासना कर ले। और साथ ही बहुत अधिक जो विद्या का इच्छुक हो वह शिव जी की स्तुति कर ले। और यदि कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हो, सेंसेस को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देना चाहता हो, तो वह चंद्रदेव की उपासना कर ले। ये हैं आपके वो छोटे छोटे से कूप जो कि दूसरे स्कंद में बताए गए हैं, किंतु इन स्कंदों के बाद में क्या लिखा है, दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है, मैं भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है, वह चाहे सकाम कर्म में हो या निष्काम में हो, मुक्ति का इच्छुक हो, यदि वह भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे संपूर्ण प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, तो उसे इस प्रकार के संपूर्ण कूपों का फल प्राप्त हो जाएगा। यानी पहले आप छोटे छोटे कूपों की ओर जाइए, या फिर एक ही बार समुद्र में डुबकी लगा लीजिए। कहते हैं कि समुद्र में, ऐसा मैंने सुन रखा है बड़े बुजुर्गों से, कि समुद्र में जब भी हम जाते हैं और किसी अनिष्ट की आशंका हो जाती है, तो समुद्र 3 बार हमको बाहर फेंक देता है। अर्थात कोई भी चीज समुद्र में डालो, समुद्र लेता नहीं है। कब लेता है? जब समुद्र की चौथी बार में इच्छा होती। तो उसी प्रकार से ये भव सागर भी वैसे ही भगवान के प्रति शरणागत होने का है। आप बार बार यदि इस छोटे छोटे कूपों के माध्यम से भटकते रहेंगे कि मैं इन देवी देवताओं की उपासना कर लूं तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, यदि आप इस प्रकार का विचार करते हैं तो निश्चित आप कर सकते हैं। लेकिन यदि एक ही बार समुद्र में डुबकी लगाने की इच्छा हो तो आप सीधा और सीधा कहाँ चले जाइए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति शरणागत हो जाइए। बहुत छोटी सी चीज है महत्व। इस दूसरे अध्याय के हर श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारे आचार्यों ने कहा है, यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे बलदेव विद्याभूषण जी, हमारे शीला प्रभुपाद अपने टीकाओं में बार बार वर्णन कर रहे हैं इस बात का कि सर्व कारण कारणम। बार बार उन्होंने अपने तात्पर्यों में, अपने टिकाओं में कहा है कि यदि हर चीज का कोई सर्व कारण है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। यानी वेद भी है तो भगवान से है, वेदों के संकलन कर्ता भी है तो स्वयं श्री कृष्ण है, वेदों के और वेदांत सूत्र भी है तो भगवान है, विस्मृति और स्मृति भी है तो भगवान है। यदि आप इन सबको पाना चाहते तो केवल और केवल आपको कृष्ण की ही उपासना करनी होगी। तो आशा है आप सभी इस कूप और समुद्र रूपी सागर से डुबकी लगा करके समुद्र की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यही हमारा कृष्ण भावनामृत जीवन है, जहां पर हम भक्त होकर के भगवान को पाने की आशा कर सकते हैं। कैसी आशा? ए नंद तनुज किंकरम, अर्थात मैं ए नंद तनुज, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका दास हूं, मेरा एक ही स्वभाव है, कौन सा, कि कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का दास बनना, अन्य मेरा कोई भी स्वभाव नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासा दासा, अर्थात मैं वो हूँ जो मेरे दास के, मैं उनका दास के दास के दास के दास के दास का दास हूँ, जो आपकी सेवाओं में निरंतर लीन रहते हैं। इसलिए उस समुद्र रूपी सागर में मैं उन्हीं ही दास श्रेष्ठों के माध्यम से अपने आप को आपको समर्पित करने का प्रयास करूंगा। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जो आपका, हमारा, सबका, टाइटल्स का, एपिसोड्स का, फिल्मों का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और जिसको जो शायद सबको ही को भी याद होगा। तर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु सुरबो सुर्वोते संगो सत्व कर्मणि। पुनः, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु सुर्वोते संगो सत्व कर्मणि। आप में से और कोई पढ़ना चाहेगा? हरि बोल। ऐसे तो सबको पढ़ना चाहिए और सबको याद भी होगा ये।
जी कर्मण्येव वाद हरे कृष्ण। जी माता जी पढ़िए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। हरी हरी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्त्व कर्मणि। हरी बोल हरे कृष्ण श्री अहिल्या माता। माता जी। हरे कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुवा ते संगो अस्ति त्व कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे हरे जय जय। ये जी हीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगा अस्तु अकर्मणि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। जोगनी माता जी अपने मुखारविंद के दर्शन देंगी आप। जी पढ़िए जोगनी माता जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। माता जी माफ कीजिएगा, मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगी, मेरे गले में बहुत दर्द। जी ठीक है। हरे कृष्ण कृष्ण जी। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ। कर्मणि कर्म करने में एव निश्चय ही अधिकार अधिकार ते तुम्हारा माँ कभी नहीं फलेषु कर्म फलों में कदाचन कदापि माँ कभी नहीं कर्म फल कर्म का फल हेतु कारण भू हो माँ कभी नहीं ते तुम्हारी संगा आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि कर्म ना करने में। अनुवाद। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं, कर्म विकर्म और अकर्म। कर्म वे कार्य जिनका आदेश प्रकृति के गुणों से प्राप्त किया जाता है। कर्म यानी स्वधर्म क्या है? जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। अर्थात जो चीजें शास्त्रों से के अनुसार ना हो, शास्त्रों से विमुख हो, जो शास्त्रानुगत ना हो, वे सभी विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सरल शब्दों में समझा दिया है कर्म विकर्म और अकर्म। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपने कर्म को करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ लिखा हुआ है भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय हो निष्क्रिय ना हो अपितु कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करे। और कर्म के फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। अर्थात इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का ही भोगता है। भगवान यहां बोल रहे हैं कि आप दो पॉइंट भगवान ने यहां बहुत क्लियर किया है। जो अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो और फल मुझे दे दो। फिर वो ये भी समझ लेता है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। फिर भगवान यहाँ कह रहे हैं तीसरे पॉइंट में कि तुम उस फल के प्रति आसक्त भी मत हो कि मैंने यदि कोई कार्य किया है तो मुझे इसका फल मिलेगा। कई बार स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका हाई होता है वे बहुत अधिक स्टडी के बाद में सोचते हैं कि
कि मुझे 95 मार्क्स क्यों मिले हैं, 97 क्यों नहीं मिला। अरे आपने जो मेहनत करी थी, आप उस फल के प्रति आसक्त क्यों हो रहे, आपका ज्ञान उस नंबर से कहीं अधिक है। फिर वो क्या करते हैं, विकर्म की ओर बढ़ने लगते हैं, अर्थात जो शास्त्रों के अनुगत कार्य नहीं है वो उसको करते हैं, अर्थात किसी गलत कार्य को कर लेना, शिक्षकों के प्रति मन में दुर्भाव रख लेना, या अत्यधिक आहत हो जाना कि मेरे मित्र को मेरे से अधिक नंबर मिल गए, या ये कहें कि वह अपने आप को इतना चोटिल कर लेता है और वह फिर अंतिम गंतव्य तक जाने का प्रयास कर लेता है। ये उस फल के प्रति आसक्ति थी जो उसने वर्ष भर किया है। मैंने वर्ष भर पढ़ाई करी, मैंने पूरा पेपर बना के आया, मैंने कोई त्रुटि नहीं करी, लेकिन फिर भी 5 नंबर यदि कटे, हो सकता है उसके लिखने में कोई गलती हुई हो सकता है कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है हिंदी शब्दों के ग्रामर में, व्याकरण में, कहीं पर रूपांतरण में कोई सी बात का उसको समझ में ना आया हो। ये भी हो सकता है कि टीचर्स उसको समझाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन बालक क्या सोचता है कि नहीं, मैंने ये मेहनत करी थी, शिक्षक को यही फल देना था किंतु उसने नहीं दिया, इसलिए वह शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, अर्थात जो उसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि वह ऐसे कर्म फलों का भोगता होता है, वो भोग करता है कि मैं बहुत मेहनत किया तो मुझे ये मिलना ही चाहिए था। आपको भोगता नहीं बनना है, आप कर्म फल की आशा नहीं कर सकते, आप हर बार अच्छे नहीं हो सकते, आप हर बार ये नहीं बोल सकते कि मैं ही सही था, मैं ही सही होऊंगा और सामने वाला व्यक्ति गलत है। भगवान ने जो आपके लिए नियत कर्म किए हैं, भगवान ने जो आपके लिए सोचा है वही सत्य है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको बात समझनी कि कर्म करना आपका अधिकार है, लेकिन कर्म की इच्छा करना आपका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर संगो सत्व कर्मणि लिखा है कि आप उस कर्म के प्रति आसक्त भी मत होइए, वो मिल नहीं मिल रहा है, निश्चित भगवान ने आपके लिए कुछ विशेष और अच्छा सोच के रखा है, और यदि वो आपके जीवन में आएगा या उसका फल आपको मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये भी भगवान ने विचार किया है कि इसका फल आपको मिलना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों में हो सकते हैं। उन्होंने कर्मों की 3 श्रेणी भी विभाजित कर दी है, नित्य कर्म, अल्पकालीन कर्म और इच्छित कर्म। अब ये कोई बताएगा नित्य कर्म क्या होते हैं? कोई बता डेली सकता है? नहीं, रूटीन पे जो कार्य करते हैं वो माता जी, हाँ बिल्कुल, नित्य कर्म हम जो रोज करते हैं वो हमारे नित्य कर्म है बिल्कुल। और आपातकालीन कर्म क्या हो गए हमारे? हीना माता जी प्रयास करेंगी। माता जी आपातकालीन का मतलब जो है इंग्लिश में तो ऐसे इमरजेंसी वर्क बोल सकते हैं, बाकी फर्क पता तो बताइए इमरजेंसी वर्क हमारे जीवन में क्या हो सकता है, सोचिए। नहीं सोच पा रही माता जी। सडन एक्सीडेंट हो जाना, जी माता जी, कई बार किसी की मृत्यु की घटना की खबर आ जाना, किसी के बहुत अच्छे शुभ समाचार आ जाना, अरे आप हमसे अचानक मिलने आ गए, आपका ही हम इंतजार कर रहे थे, हमारे लिए शुभ संकेत होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी का अचानक विवाह संपन्न हो जाना, बहुत अच्छा हुआ। ये सब आपातकालीन कर्म हो गए हमारे लिए, कि जो इमरजेंसी होती है, कोई बताकर नहीं होता है ना। और तीसरा कौन सा प्रशील प्रभुपाद ने बताया, इच्छित कर्म। तो इच्छित कर्म क्या हो गए हमारे? इच्छित कर्म मतलब माता जी अपने इच्छा से मतलब पूजा पाठ घर में अभिषेक कराना, कीर्तन कराना। कह सकते हैं इच्छित कर्म सत्वगुण में आगे लेकर के, मतलब हमें जो पसंद है उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। और जो नित्य कर्म होते हैं और जो इच्छित कर्म होते हैं, यदि व्यक्ति भगवान की आराधना सेवा में लगा हुआ है तो वो सत्वगुण में होकर के इन कर्मों को करता है, लेकिन आपातकालीन कर्म जो होते हैं वे हमारे सत्वगुण में नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं रज और तम गुण से आवृत होते हैं। मतलब श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कहा है, नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार
गुण में रहकर ही किए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ लिखा है कि नित्य कर्म हमारे सत्व गुण में रह करके किए जाते हैं और फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ भी रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म का कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसा निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति के पथ की ओर ले जाता है। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करने के लिए, अर्थात स्वधर्म में रहकर, अर्जुन का स्वधर्म कौन सा है? युद्ध करना। युद्ध करना, यानी क्षत्रिय धर्म में उसे रहना है, वह उसका स्वधर्म है। उनका युद्ध विमुख हो जाना आसक्ति का दूसरा पहलू है, इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है संगो सत्व कर्मणि, तुमको कर्म के प्रति आसक्त नहीं रहना है जिसकी तुम आसक्ति कर रहे हो, और स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो वही बंधन का कारण है। ठीक है, आप बोल रहे हो हम कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं करना है क्या? नहीं करते हैं, दोनों ही स्थिति आपके लिए नहीं है, दोनों ही कर्म बंधनों का कारण है। आपको यह सुविचार करना है कि यदि मैंने कोई कर्म किया, यदि मेरे जीवन में कोई भी घटना विशेष घट रही है, तो निश्चित तौर पर वह ईश्वर की मर्जी के द्वारा आयोजित है, इसलिए हो रहा है। यदि अब तक मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जो सोच रहा था ये होना चाहिए और आगे भी यही होगा, तो बिल्कुल भी आप और हम गलत सोच रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके लिए निषेधात्मक रूप से भी बंधे हुए हैं और उसके लिए हम स्वीकारात्मक भाव में भी, क्योंकि मैं स्वीकार कर रहा हूँ ऐसा होगा, निषेधात्मक में भी, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे इसलिए नहीं हुआ। आपको इन दोनों ही भाव से बाहर आना है, तब ये चीजें होंगी। अकर्म पापमय होता है, अकर्म पापमय है। क्यों पापमय है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ही नहीं है, हम वो कार्य कर रहे हैं जो शास्त्र हमको करने का आदेश ही नहीं देते हैं। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। अतएव युद्ध करना ही अर्जुन के लिए एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है, अर्थात हमको इस बात को समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा मार्ग क्या है, कर्म के बंधन में बंधे रहना या कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना, या अपने लिए किसी प्रकार के नियम को अनावश्यक रूप से बाध्य रूप से बना लेना और उस पर कार्य करना, बिल्कुल भी नहीं। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि वो प्रयास सफल ना हो तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि निश्चित इसके पीछे ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी है, इसलिए ये कार्य ऐसा हो रहा है। इसलिए यहाँ पर इस अध्याय में चार चीजें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म फल के अधिकारी नहीं होना चाहिए, यानी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? कर्म फल का अधिकारी नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिर्फ उसे कर्म करने का अधिकार है। क्या है उसे? केवल और केवल कर्म करने का अधिकार है, उसे कर्म फल के प्रति भी आसक्त नहीं होना है और किसी भी कर्म को करने के लिए उसका स्वयं को अपना कर्ता ना माने, कर्म को करने और करवाने वाला साधन और साध्य कोई और है। इसलिए हमें यहाँ इस भाव को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसलिए गीता महात्म में हम सभी ने जब भूमिका पढ़ रहे थे, अमुक पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक शास्त्रम देवकी पुत्रम, केवल एक ही शास्त्र है, एक ही भगवान है, और कौन है? देवकी का पुत्र। एको मंत्रस्य नमामि, एक ही मंत्र है, एक ही महामंत्र है। आप सभी शुरू के देखेंगे जहां पर हमने पढ़ा था, वहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि भगवान क्या बोल रहे हैं गीता महात्म में, एक शास्त्र देवकी पुत्रम, एक ही शास्त्र है, एक ही भगवान है, एक ही महामंत्र है, एक ही परम धाम है और एक ही हमारे जाने का भी मार्ग है। एक मिनट, हाँ मिला क्या गौतम बुद्ध प्रभु? पेज वो पेज नंबर 29 माता जी। पेज नंबर 29 ना?
हाँ, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है, एक ही भगवत गीता है जो सारे विश्व के लिए होनी चाहिए। इसलिए इसी अध्याय के 18वें अध्याय के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आपको सब कुछ छोड़कर, सारे वेदों को छोड़कर, सारे शास्त्रों को छोड़कर, सारे कूपों को छोड़कर, सारे 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 देवी देवताओं को छोड़कर आपको केवल एक की ही शरण ग्रहण करनी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसलिए कहा है कर्म की इच्छा और कर्म के बंधन में भी आपको नहीं बंधना है। अर्थात आपको केवल और केवल कौन से कर्म करने हैं, जो कर्म के आसक्त ना होकर के कर्म बंधन से बंधे हुए होकर नहीं है। तो आप सबको ये बात आशा है समझ में आई हो कि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों के माध्यम से हम बद्ध जीवों को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और स्वयं भगवान ने इस देहात्म शरीर से, देहात्म बुद्धि से बंधे हुए हमारे अर्जुन को क्या समझाने का प्रयास किया कि आप अपने स्वधर्म की ओर आगे बढ़ो और किसी भी प्रकार से निषेधात्मक और स्वीकारात्मक भाव से बाहर आ जाओ, आसक्त ना हो और अपने कर्म की ओर आगे बढ़ो और युद्ध करो। और क्या बताया, यहां से आपकी 40वें श्लोक से जो कर्म कांड के बंधन है आपको उसमें नहीं बंधना है, क्योंकि वेदों की संहिताएं मैं ही हूँ, आरण्य मैं ही हूँ, ब्राह्मण मैं ही हूँ। आपको एक चीज और बताएं कि कई सारे जगह, बहुत सारी जगह इस शब्द का प्रयोग हुआ है, ब्रह्म ब्रह्म क्यों हुआ है, और हर जगह इस ब्रह्म का अलग अलग अर्थ क्यों है, क्या बताना चाहते हैं स्वयं भगवान। तो ये विश्लेषण हम सबके लिए करना बहुत जरूरी है, और ये समझना भी कि यहाँ पर इनका भाव क्या बता रहा है। इसलिए ये ब्रह्म का शब्द जो अलग अलग जगह पर आया है, ये सब आपको पता भी होना चाहिए, और इसे आप लोग ऐसे पॉइंट में नोट बनाकर लिख भी लीजिए कि 6 बार इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया गया, अलग अलग श्लोकों में, अलग अलग अध्यायों में। पहला 14.3 चैप्टर में महतत्व के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसमें 24 तत्वों को बताया गया कि ये अस्थाई हैं। जहां पर इस ब्रह्म शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह पर ब्रह्म शब्द को अलग अलग ढंग से बताया गया है, और भगवान ने क्यों बताया है, हम जैसे बद्ध जीवों को किस भवसागर, इस समुद्र से बाहर निकलने के लिए इसको समझने का प्रयास करना है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। तो 14.3 में जहां पर 24 तत्वों को अस्थाई बता दिया गया है, कौन से 24 तत्व, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत और 3 हमारे मन बुद्धि और अहंकार, यानी ये जीवात्माओं का जो समूह है, ये हमारा क्या है, महत्तत्व है। उसके बाद फिर क्या बताया, दूसरा यज्ञ जिसे हम कर्मकांड की बात कर रहे हैं, 4:23 में, 4:23 में फिर से जहां पर सेक्रीफाइसेस के रूप में बताया गया कि त्याग क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ महत्व तत्व का प्रयोग करते हुए बताया गया है कि यदि ये इन 24 तत्वों से, इस महत्व तत्व से बड़ा यदि कुछ है तो यज्ञ है, जिनकी बात अभी हमने करी है। पहले हमने क्या पढ़ा, भाई ये शरीर जो है 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय, 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से बना है, ये सबसे बड़ा है, ये जीवात्मा सबसे बड़ी है। फिर क्या बता दिया 4.23 में कि यदि इससे बड़ा कुछ है तो तुमको क्या समझना है, ये यज्ञ है जहाँ त्याग बताया गया है, और यहाँ पर अग्नि, हवि इत्यादि जो कुछ भी दी जाती है, अनुष्ठान किए जाते, कर्मकांड किए जाते हैं, ये सब कुछ ये है। तो ये ब्रह्म तत्व भी इसी ब्रह्म के बारे में समझने के लिए, जहाँ पर अभी हमने पढ़ा ब्राह्मण, जहाँ ब्राह्मण इस संहिता अरण्य का प्रयोग करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि इसके अर्थ और इसके अंतर्दृष्टि ये है। उसके बाद फिर क्या बता रहे, जीवात्मा 8.3 में, फिर 8.3 में क्या बोल रहे हैं, अक्षरम परम ब्रह्म, जीवात्मा इसका प्रयोग करता है क्या समझने के लिए, कि ब्रह्मा को समझने लिए, कौन समझने का, जो कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते निर्विशेषवादी लोग, उनके लिए इस ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर उन्होंने ब्रह्म ज्योति पुनः बताई 14:27 में, और क्या बोला, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यदि कुछ है तो इसी निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ना है, और इस ब्रह्म ज्योति में हमको जाकर लीन हो जाना है। तो 14 अध्याय का 26वां और 27वां श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है।
फिर उन्होंने क्या बोला, परमात्मा। अब हम लोग कहाँ पर आ गए, उस भाव में, ध्यानियों के भाव में, जो हिमालयों में जाकर किसी नितांत जगह पर जाकर के क्या बोलते हैं उसे, गुफाओं में ध्यान नहीं, लोग बैठते हैं, शरीर को तपाते हैं। अभी अभी एक बहुत वीडियो वायरल हुआ है रील्स के माध्यम से, जहां पर कोई बहुत हिमालय की वादियों में जाकर के कोई ध्यानी योग कर रहा है, ध्यान में लीन है, उसके पूरे शरीर पर बर्फ जमी हुई है इतनी ठंड में। तो ये ध्यानी लोग, तपस्वी लोग अपने शरीर को ठंड में तपाते हैं, गर्मी में गर्मी के जैसा तपाते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु के जैसे समझा तपाते हैं। तो वहां पर क्या बता रहे हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं ध्यानी लोग, परमात्मा निराकार ब्रह्म है। तो 13:13 में ये उन्होंने बताया कि भैया परमात्मा निराकार ब्रह्म से बड़ा है और हम इसको देख सकते हैं, परमात्मा को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पर ये बता दिया। उसके बाद फिर 10:12 में भगवान ने फिर से इसी ब्रह्म शब्द के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और कहा 10:12 में, परमात्मा के साथ ही हमारा संबंध स्थायी है और हम अपने भाव का आदान प्रदान किसके साथ कर सकते हैं, भगवान के साथ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं कि यदि किसी भी विग्रह को घर पर 10 साल तक रख लिया जाए, किसी प्राण प्रतिष्ठा भी ना की गई हो, किसी मंदिरों में कई सारी जगहों पर रखे रहते हैं, तब कहते हैं 10 वर्ष के बाद उसके अंदर स्वयं परमात्मा का वास हो जाता है उस विग्रह में। क्यों? अब इसके बाद भगवान हमारे साथ हमारे हाव भाव का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे यहाँ परिलक्षित हैं। मीरा का भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाना, मीरा का भगवान से बात करना, करमाबाई का भगवान को खिचड़ी खिलाना, जगन्नाथ जी का स्वयं खिचड़ी खाने के लिए आना, या हमारे तुकाराम का अगर हम देखें तो विट्ठल के द्वारा किस प्रकार से उनकी बातें करना, उन पर लीन हो जाना, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हमको मिलते हैं। तो यहाँ 10:12 में इस बात को बताने का प्रयास किया कि अब ये कौन से ब्रह्म की बात हो रही है, जहां पर हमारा भगवान के साथ संबंध स्थायी होता है और हम इसको और भावों के साथ आदान प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को देखते हैं और भगवान को देखते साथ उनकी आंखों से झरझर आंसू बहता है। ये एक प्रकार का अष्टविकार भाव है, लेकिन हमारे शुद्ध भक्ति में ये परिलक्षण आने के लिए बहुत बहुत समय लगता है। तो हमें ये सारी चीजें समझने के लिए कहाँ तक जाने होगी, उस शुद्ध सत्व भक्ति के स्तर तक जाना होगा। पर कैसे जाना होगा, जहां पर हम शुद्ध भाव से हरि नाम ले सकेंगे, हमारी जीव निरंतर सतत ये प्रयास कर सकेगी कि मुझे किसी भी प्रकार के कर्म कांड में ना फंसकर, इस कूपों में डुबकी ना लगा करके, ना मुझे अश्विनी कुमारों की सेवा करनी है, वे अश्विनी कुमार जो स्वयं भगवान की सेवा में लगे हैं, ना मुझे उस ब्रह्म की सेवा करनी है, ना मुझे किसी राज्य की कामना है, ना मुझे बहुत अधिक अत्यधिक धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति की जरूरत है, ना मुझे अदिति के पुत्रों की पूजा करने की जरूरत है, ना मुझे अदिति की सेवा करने की जरूरत है, ना उमा की ना दुर्गा की, मुझे उसकी सेवा करने की जरूरत है जो इन सब की सेवा में लीन होते हैं, मुझे समुद्र में डुबकी लगाना है ताकि मैं इस भव से पार हो सकूं। इसलिए आप सबको इस ब्रह्म शब्द को समझने का प्रयास करना होगा। जिन श्लोकों का अभी रेफरेंस हमने लिया है, आप लोग यदि इसको 2-3 बार भी पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये महत्त्व ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, ध्यानी, योगी, कर्मी किस प्रकार से हमारे भाव संबंध को बताते हुए भगवान के चिरस्थायी संबंधों को इस श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किए हैं। भगवद गीता हमारे आध्यात्मिक चेतना का स्तर है, इसलिए इस श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते में इस बात को बताया गया है कि आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए हमें इस कर्म बंधन की के आसक्ति से बाहर निकलना है। ठीक है, हरे कृष्णा। यदि आपका, आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहते हो, तो बिल्कुल आप सभी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबको समझ में आ गया है, आशा है। समझने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं, मैं भी समझने का प्रयास कर रही हूँ। जितना कुछ भी आचार्यों की वाणी से सुना है, हमारे हृदय तमाल कृष्ण प्रभु जी के श्री मुख से सुना है, जो उन्होंने हमें समझाया है, हमारे अन्य सीनियर वैष्णवों से जो हमने सुना है, परम पूज्य गुरु महाराज का आशीर्वाद, हमारे परम पूज्य सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने हमें एक छोटा सा कार्य दिया है कि अपने जीवन में हरि भक्ति, हरि नाम और श्रील प्रभुपाद की वाणी को सम्मिलित और सन्निहित करना है। उन्हीं के विचारों को प्रकट करते हुए आप सबके समक्ष ये विचार रखने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसलिए त्रुटियां भी हो सकती हैं, और त्रुटियां हो तो क्षमा कर दें, जो चीजें गलत लगी हो, ना समझ में आया हो, उसे वहीं छोड़ दें
और जो आपके जीवन में गुण लेने के लिए हो उसे तुरंत गठरी बांधकर अपने साथ रखें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी समस्त भक्त बिंदुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे कृष्ण महामंत्र बोलकर आज की कक्षा को यहीं विराम। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम। हरे। जी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरी दाई दाई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि।